corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. मैं लक्ष्मी नोटियाल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उत्तराखंड के बारे में, जो कि जलवायु परिवर्तन से पहले कैसा था। उत्तराखंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ के लोग भी पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। जब मैं छोटी थी तो यहाँ पर बहुत घास होती थी, पर्याप्त मात्रा में पानी के स्रोत होते थे, वह बहुत बारिश होती थी। किसान भी खेत में अनेक प्रकार की फसलें उगाया करते थे, वे पूरी तरह अपनी उगाई जाने वाली फसलों पर ही निर्भर थे। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ा है। यहाँ की खेती में उत्पादन कम होने के कारण यहाँ के लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है। वह लोगों ने जो अनेक तरह की फसलें वे यहाँ पर उगाते थे, वे फसलें सही मात्रा में नहीं हो रही हैं, इसलिए उन्होंने खेती को बंजर छोड़ दिया है। बारिश भी नहीं हो रही है, और जो भी है बारिश से भी हम जब सूखा पड़ रहा है तो हमारे यहाँ तो खेतियों से भी परेशान है। खेत में भी कुछ नहीं होता, और पीने का पानी भी नहीं होता, टंकी भी सूख रहे हैं, क्या करें हम। जब हम नदियों से पानी लाते हैं तब पीते हैं। हम पे जलवायु असर का बहुत फर्क पड़ रहा है। अब हमारी खेती में उतना नहीं हो रहा है, जब से जलवायु परिवर्तन हुआ, बारिश नहीं हुआ, सूखा ग्रस्त हो गया, हमारी खेती में बहुत फर्क पड़ गया। अनाज कुछ भी हो, दालें हो, गेहूँ हो, धान हो, उतना नहीं होता है, और पानी का भी पीने की इतनी समस्या हो गई है कि बहुत 100-150 मीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। उत्तराखंड जैसे पहले था वैसे अब नहीं रह गया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य घट रहा है। समय पर बारिश नहीं हो रही है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, वह घास भी नहीं है। क्योंकि जैसे डैम बन रहे हैं, भले ही उससे बिजली पैदा होगी, पर डैम बन रहे हैं, तो जैसे नदी है तो वो अपने हिसाब से बनी है, उनको रोका जा रहा है। पर जैसे पहले चलती थी तब भी तो पानी आता था, जैसे डैम नहीं थे तब भी तो लाइट थी, पर थोड़ा उन चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ के लोगों को अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, वह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए, पानी के स्रोतों पर सीमेंट नहीं लगानी चाहिए, वह पहाड़ी मकानों पर भी सीमेंट के उपयोग से बचना चाहिए, वह भौतिक वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं लक्ष्मी नोटियाल गैरसैन उत्तराखंड से।